एग्री पॉइंट करियर अकेडमी के शुभारंभ के अवसर पर आए हुए हम अतिथियों का स्वागत सत्कार करना चाहेंगे। हमारे बीच में विराजमान है बाड़मेर का सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक और निजी शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष आदरणीय बाल सिंह जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप साफ का साफा पहनाकर सम्मान सत्कार कराओ। मेरा आग्रह रहेगा पदम सिंह जी भाटी आप मंच पर पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन नेहरा साहब का। हमारे बीच में मंच पर माल्यार्पण के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ श्री धर्म मंच पर ही विराजमान। मैं गुजारिश करूंगा सिद्धार्थ गुरुकुल विद्या मंदिर के प्रबंधक लखन जी चारण से आप मंच पर बधा रहे हैं और उपाराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करा। हमारे बीच मेरा आग्रह रहेगा प्रीतम सिंह जी भुटिया से आप मंच पर बधा रहे हैं और पगारिया। हमारे बीच में विराजमान है हम सब के इसी कड़ी में आग्रह रहेगा अनूप सिंह जी रडाना आप मंच पर बता रहे हैं। का एक ऐसा लाल जो आईसीआर जो परीक्षा होती है उसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऑल इंडिया में 64 के लिए उनको चयन किया गया तो उनका एक ही लक्ष्य था कि मैं जिस धरती से आता हूँ वहाँ के विद्यार्थियों को मैं देश की कृषि से अनुसंधान के लिए जोड़ सकूँ उनको मार्गदर्शन प्रदान कर सकूँ। इसलिए उन्होंने न्यूजीलैंड का ऑफर छोड़कर आज बाड़मेर की धरती पर काम कर रहे हैं और उस शख्स ने एक अनार का पौधा बोया था मैं नेहरा साहब को बताना चाहूंगा और उस एक पौधे के दम पर आज पूरे बाड़मेर के अंदर 6 अरब की आय जो है वो सिर्फ अनार के दम पर हो रही है। ऐसी शख्सियत को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कृषि विज्ञान केंद्र दाता को सींच कर यहाँ तक पहुँचाने वाले डॉक्टर प्रदीप पगारिया साहब सिंह जी भाटी साहब एवं सामने विराजे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रबुद्ध जनों। कोई विद्यार्थी अगर प्रवेश लेता था तो ये समझा जाता था कि यह जस्ट एक आर्ट्स के समकक्ष कोई संकाय होगा। वास्तव में कृषि संकाय की जो एक महत्ता है उस महत्ता से अपना ये जो जिला है बाड़मेर जिला ये आज तक लाभान्वित नहीं हो पाया। आज भी हम देखें तो कृषि विभाग में लगभग 200 पद स्वीकृत है जिसमें बाड़मेर जिले के मात्र 5 से 7 कर्मचारियों के अलावा कोई बाड़मेर जिले का कर्मचारी अधिकारी नहीं है। अगर यही स्थिति अपन दूसरे जिलों में देखें तो वहां पर उस जिले के लगभग 70 से 80% जो अधिकारी कर्मचारी है वो उस जिले के होते हैं। यह अपने जिले का दुर्भाग्य है कि कृषि के क्षेत्र में अपने यहाँ पर जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो सका। उसके पीछे कई कारण थे। अपने यहाँ पर कृषि संकाय पहले नहीं था क्योंकि विभिन्न प्रयासों से प्रशासनिक और राजनीतिक से आज हमारे यहाँ कृषि संकाय के लगभग 400 से 500 विद्यार्थी अध्ययनरत है। कृषि संकाय लेना बहुत आसान कार्य है लेकिन उसमें आगे बढ़ना अपने जिले के विद्यार्थियों के लिए काफी कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। जैसे ही विद्यार्थी 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करता है 12वीं कृषि संकाय में उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी यह सोचता है कि आगे मेरा क्या भविष्य है मैं आगे क्या करूंगा कृषि में क्या होना चाहिए इस बारे में उसके आगे पूरा प्रश्न चिन्ह होता है। तो हमने ये देखा कि विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर प्रदीप पगारिया साहब हमने ये देखा कि जो इस प्रकार के कोई कोचिंग होते हैं तो उसमें हम लोग हमारा मार्गदर्शन देंगे। हम लोग वहां पर जाकर उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे कि आगे आपका भविष्य अंधकारमय नहीं है। कृषि में जितनी संभावनाएं हैं उतनी शायद मेडिकल या इंजीनियरिंग में भी नहीं है। कृषि के अंदर सबसे पहले 12वीं पास करने के बाद में आपको बीएससी एजी में एडमिशन लेने के लिए 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होता है। एक परीक्षा जो राजस्थान स्तर पर होती है उसका नाम जैट है जैट अर्थात जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। दूसरी जो अखिल भारतीय स्तर पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हो तो आपको भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है और अगर आप कृषि संकाय में राजस्थान स्तर पर उत्तीर्ण होते हो तो सभी प्रकार की जो छात्राएं हैं उन छात्राओं को चाहे वो किसी भी मेरिट पे आई हो उन सभी छात्राओं को कृषि संकाय में मुख्यमंत्री योजना
एग्रीकल्चर के संबंध में आपका भविष्य क्या है, आपको क्या करना है इस संबंध में, आपके इस सलाह कक्ष में बहुत प्रभु जब विराजमान है वो आपको बताएंगे। मैं तो एक निजी शिक्षण संस्थान संघ का पदाधिकारी या निजी विद्यालय का संचालक होने के नाते विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूंगा, वर्तमान समय में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब तक आप नियमित अध्ययन नहीं करोगे तो चाहे किसी भी कोचिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, आप उसमें सफल नहीं हो सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से नियमित रूप से कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने गुरुजनों और इस प्रकार के करियर पॉइंटों के मार्गदर्शन के माध्यम से सतत प्रयास और कठोर मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको असफल कर सके, तो आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार ये एग्री पॉइंट के डिरेगेट में स्थापित हुई है, ये इस तरह का एक तरीके से यूनिक और अभिनव प्रयास है बाड़मेर में, और ये इतना व्यापक क्षेत्र वाला जो कृषि क्षेत्र है जिसके बारे में मेरी भी कम जानकारी है, बच्चों की भी कम होगी, जिसमें करियर के लिए सबसे ज़्यादा व्यापक संभावनाएं हैं, उसके लिए ये करियर पॉइंट शुरू करना बहुत बाड़मेर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे करियर में क्षेत्र अब सैचुरेशन की स्थिति में आ गया। आप इंजीनियरिंग करके देख लें, इंजीनियरिंग में आज की तारीख में ये कहा जाता है कि कई पत्थर उछाड़ोगे तो वो किसी इंजीनियर के फील्ड में जाएगा, इतने ज़्यादा इंजीनियर हो गए हैं कि वो जेटीए की हमारे यहाँ भर्ती निकली थी उसमें भी बहुत सारी फॉर्म आए, बहुत सारे जेटीए जो केवल एक अनुबंध आधारित होता है जिसको कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, ऐसा ही है उसमें भी। और ये कृषि वैसे भी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, 75% लोग इस पर निर्भर है, और कैरियर की जितनी व्यापक संभावनाएं जैसे अभी पाठी जी ने बताया, वर्मा जी ने बताया कि ये जो कॉलेज में एडमिशन मिल गया और कॉलेज में आपने एग्रीकल्चर साइंस से बीएससी कर ली तो नौकरी सरकारी नौकरी की लगभग निश्चित सी हो जाती है, और प्राइवेट क्षेत्र में कंपनियों में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। साथ ही जो व्यापक क्षेत्र है कि व्यवसाय कृषि कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में अपने यहाँ खुद भी एक किसान के रूप में जैसा उन्होंने बताया सबसे उत्तम खेती आज समय ये कहीं सबसे ज़्यादा स्वाभिमान वाली कोई व्यवसाय है तो वो किसान का है। बाकी जगह हर जगह चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो नौकरी होती है उसमें।